हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू बिशप अकेडमी ऑनलाइन क्लासेस। डियर स्टूडेंट, इन द प्रीवियस वीडियो आई वाज डिस्कस अबाउट द सम टॉपिक लाइक व्हाट इज डिसोल्यूशन, व्हाट इज द डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एंड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। इन दिस पार्ट आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म। इसमें पॉइंट्स टू डिस्कस क्या करना है, जनरल एंट्री एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन, डिसोल्यूशन के टाइम पर कौन सा जनरल एंट्री हम पास करते हैं, प्रिपरेशन ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट कैसे प्रिपेयर करते हैं, प्रिपरेशन ऑफ कैपिटल अकाउंट कैसे कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करते हैं, प्रिपरेशन ऑफ कैश और बैंक अकाउंट कैसे प्रिपेयर करते हैं। एक्चुअली क्या है कि डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म का कोई भी टॉपिक आपके इस रिवाइज सिलेबस में चेंज नहीं किया गया है, ये पूरा का पूरा आप में आएगा। ये जनरल एंट्री है, इसको आप लोग जरूर याद करेंगे, क्योंकि अगर ये याद रहेगा तभी आप लेजर पोस्टिंग कर पाएंगे। तो इसलिए इसको फोकस करके और इसको कॉपी में आप जो है फेयर कॉपी में इसको आप नोट भी करेंगे। When assets are transferred to the realization account, जब realization account में asset को transfer करते हैं, मतलब जो balance sheet में asset अगर दिया है तो उस asset के कौन कौन सी चीजें आप balance sheet में debit side, realization account के debit side में transfer करते हैं। realization account debit to sundry assets account, इस sundry assets में आपके machinery है, building है, stock है, goodwill है और फर्नीचर है, कंप्यूटर है, जो भी एसेट्स है कैश और बैंक को छोड़ के, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट को छोड़ करके, वो सारी चीजें डेप्टर्स सब कुछ चीजें आप रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में आप लिख देंगे। जैसे रियलाइजेशन अकाउंट है तो डेबिट साइड में लिखेंगे टू बिल्डिंग, टू फर्नीचर, टू मशीनरी, टू ऐसे करके सारे को लिख लेंगे। दूसरा होता है व्हेन लायबिलिटीज आर ट्रांसफर टू द रियलाइजेशन अकाउंट, सन्डी लायबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। इसमें भी ध्यान देना होता है, इसमें जब रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में हम लिखते हैं बाई सन्डी लायबिलिटीज और उसमें जो जो लायबिलिटीज होते हैं कौन कौन से लायबिलिटीज को हम डालेंगे, पहला काम क्रेडिटर्स को डालेंगे, अगर डेप्टर्स में प्रोविजन है तो प्रोविजन को डालेंगे बाई प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट्स, ठीक है। अगर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड है उसको भी डालेंगे आप। ध्यान दीजिएगा, अगर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व दिया है और उस पर क्लेम भी है तभी आप वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को आप लायबिलिटी वो रिलेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में डालेंगे। अदरवाइज अगर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व दिया है लेकिन क्लेम नहीं दिया है तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को आप पार्टनर्स कैपिटल में जैसे डिस्ट्रीब्यूट करते थे वैसे ही डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, उसको रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं रखेंगे। इंप्लाइज प्रोविडेंट फंड है, अगर इंप्लाइज प्रोविडेंट फंड तभी हम डालेंगे जब हम इंप्लाइज को प्रोविडेंट फंड पेड कर रहे हैं, ठीक है। इसमें भी सोचने की चीज होती है कि अगर किसी पार्टनर का लोन है तो आप रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में नहीं डालेंगे, लेकिन उसी पार्टनर के वाइफ का लोन हो, ब्रदर का लोन हो, सिस्टर का लोन हो तो उसको आप रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में डालेंगे लायबिलिटी में, ठीक है, क्योंकि इसमें पार्टनर्स किसी भी पार्टनर के लोन को नहीं डालते हैं, उसको हम बैंक अकाउंट में डायरेक्टली पेड करते हैं, कैश अकाउंट में या बैंक अकाउंट में। तो लायबिलिटी के लिए हो गया। व्हेन सेल ऑफ एसेट, अब हम पहले एसेट को सारे एसेट को हम रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में डालते हैं, सारे लायबिलिटीज को जो भी हमको पे करना है उसको हमको क्या करना है रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट साइड में कर देते हैं। अब एक एक करके सारे एसेट को जितने में सेल किया जा रहा है उसको आप सेल करते हैं कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, जो भी अमाउंट जिस एसेट को सेल करने से मिलता है उसको रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखते हैं भाई कैसा बैंक अकाउंट। मशीनरी सपोज करिए 1 लाख का था तो अगर 50,000 में बिक रहा है तो बाई कैसा बैंक अकाउंट लिखेंगे मशीनरी 50,000, फर्नीचर 10,000, तो ऐसे करके जितने भी अमाउंट पे सेल हुआ उसको लिखते जाएंगे, फिर टोटल करके उसको अमाउंट के कॉलम में लिख देंगे।
नेक्स्ट है वेन लायबिलिटीज आर पेड, ऐसे एसेट सेल हो गए, अब जो अमाउंट मिलता है उसी अमाउंट से आप क्या करते हैं, लायबिलिटी को पे करते हैं। तो रिलेशन अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट, इसमें टू कैश और बैंक अकाउंट रिलेशन अकाउंट के डेबिट साइड में लिखेंगे, और अगर क्रेडिटर्स को पेड कर रहे हैं तो टू क्रेडिटर्स, अगर पार्टनर्स रिलेटिव के लोन को पे कर रहा है तो टू पार्टनर्स रिलेटिव, जैसे पार्टनर अगर ए पार्टनर है तो एज वाइफ, एज सिस्टर, ए ब्रदर्स लोन, ऐसे करके आप पेड कर देंगे। अगर कोई आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज है तो उसको भी टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज करके उसको पेड कर देंगे। व्हेन एसेट इज टेकन ओवर बाय द पार्टनर, कभी कभी ऐसा होता है कि इसमें पार्टनर क्या करते हैं, कोई एसेट ले लेते हैं। अगर कोई पार्टनर कोई एसेट लेता है तो रिलेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखते हैं, उसी पार्टनर के नेम से कैपिटल अकाउंट लिख देते हैं। जैसे अगर ए स्टॉक ले रहा है तो लिखेंगे बाई एज कैपिटल अकाउंट, और ब्रैकेट में लिख देंगे स्टॉक, और उसका जितने में ले रहा है वो अमाउंट अमाउंट के कॉलम में लिख देंगे। व्हेन लायबिलिटी इज टेकन ओवर बाय द पार्टनर, अगर किसी पार्टनर के द्वारा लायबिलिटी क्या कर दिया जाता है, लिया जाता है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, रिलेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट करेंगे। मतलब अगर जैसे एसेट कोई पार्टनर ले रहा है, वैसे ही कोई लायबिलिटी अगर कोई पार्टनर ले रहा है कि हम पेड कर देंगे, जैसे कोई पार्टनर है उसकी वाइफ का लोन है तो कहता है कि मैं अपनी वाइफ का लोन पेड कर दूंगा, तो जहां पे उसकी वाइफ का लोन रिलेशन अकाउंट के डेबिट साइड में करेंगे वहीं पे लिख देंगे अगर ए जिम्मेदारी ले रहा है तो लिखेंगे टू एज कैपिटल अकाउंट, और ब्रैकेट में लिख देंगे एज वाइफ लोन, ठीक है। नेक्स्ट है व्हेन अनरिकॉर्डेड एसेट आर रियलाइज, कभी कभी जैसे आप इसके पहले रिलेशन में रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते थे तो उसमें कुछ एसेट होते थे जो अनरिकॉर्डेड होते थे, तो आप उसको रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड में लिखते थे बाई अनरिकॉर्डेड एसेट्स, ठीक है, और उसको बैलेंस शीट में डालते थे। लेकिन इसमें क्या है, अगर अनरिकॉर्डेड कोई एसेट है रियलाइज हो रहा है तो उसको कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू रिलेशन अकाउंट डेबिट के क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाई कैश और बैंक अकाउंट, और ब्रैकेट में लिख देंगे जो भी अनरिकॉर्डेड एसेट का नाम है वो लिख देंगे, अमाउंट के कॉलम में अमाउंट लिख देंगे। व्हेन अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज आर रियलाइज, ऐसे ही जो ऐसे अनरिकॉर्डेड एसेट है वैसे अनरिकॉर्डेड कोई लायबिलिटीज हो तो उसको भी आप रिलेशन अकाउंट के डेबिट साइड में पे करेंगे टू कैश और बैंक अकाउंट, रिलेशन अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट, और टू कैश और बैंक अकाउंट लिख के ब्रैकेट में जो भी लायबिलिटी पे कर रहे हैं उसको लिख देंगे, और अमाउंट के कॉलम में अमाउंट लिख देंगे। व्हेन बैंक ओवरड्राफ्ट इज पेड, कभी कभी बैंक ओवरड्राफ्ट भी होता है तो उसको भी अगर पे कर रहे हैं तो उसको भी रिलेशन बैंक ओवरड्राफ्ट अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट, इसको रिलेशन अकाउंट में नहीं डालते हैं, इसको सीधे आप कहाँ डालते हैं, जब कैश और बैंक अकाउंट बनाते हैं उसी में इसको डालते हैं, बैंक ओवरड्राफ्ट अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट। व्हेन रिलेशन एक्सपेंसेस आर पेड, जो रिलेशन का जो प्रोसीजर होता है इसमें रिलेशन एक्सपेंसेस होते हैं, जैसे कोई किसी का घर अगर बिक रहा हो, जैसे वो इंस्टॉलमेंट हो, कोई लोन लिया हो, लोन नहीं पेड कर पाया तो उसका घर घर पर लोन लिया था अपने हाउस पे, तो उसका हाउस नीलाम किया जाता है, तो नीलामी का प्रोसीजर में क्या है, ढेर सारे लोगों को बुलाया जाता है, बैठने के लिए जगह दिया जाता है, उसको नाश्ते पानी का प्रबंध किया जाता है, कुछ पेपर्स वगैरह बनाए जाते हैं, तो इस समय जो भी एक्सपेंसेस होते हैं तो उसको पेड करना पड़ता है। ऐसे ही कोई फर्म है उसका अगर डिसोल्यूशन हो रहा है तो उस डिसोल्यूशन के लिए रिलेशन कहते हैं उसको, रिलेशन का प्रोसीजर। रिलेशन अकाउंट हम बनाते क्यों है, रिलेशन अकाउंट इज प्रिपेयर्ड फॉर सेलिंग ऑफ एसेट्स एंड पेड आउट ऑफ पेड ऑफ ऑफ लायबिलिटी, लायबिलिटी को एसेट को सेल करना और लायबिलिटी को पेड करने के लिए जो अकाउंट हम बनाते हैं उसी को रिलेशन अकाउंट करते हैं। तो इसके लिए रिलेशन एक्सपेंसेस अगर कोई है तो रिलेशन अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट, तो हम टू कैश और बैंक अकाउंट रिलेशन अकाउंट के डेबिट साइड में लिखते हैं और ब्रैकेट में लिख देते हैं रिलेशन एक्सपेंसेस, और अमाउंट के कॉलम में जितना अमाउंट एक्सपेंसेस हुआ उसको लिख देते हैं। नेक्स्ट एंट्री है व्हेन रिलेशन एक्सपेंसेस आर पेड बाय द पार्टनर, अगर जैसे हमने कैश अगर पेड किया रिलेशन एक्सपेंसेस तो टू कैश या बैंक अकाउंट, अगर कोई पार्टनर पे कर रहा है तो टू रिलेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कर देंगे, और ब्रैकेट में लिख देंगे
रिलेशन अकाउंट में लिखेंगे टू, मान ली ए पे कर रहा है रिलेशन एक्सपेंसेस या बी पे कर रहा है, लिखेंगे टू बीस कैपिटल अकाउंट, ब्रैकेट में लिख देंगे रिलेशन एक्सपेंसेस और अमाउंट के कॉलम में अमाउंट लिख देंगे। व्हेन प्रोविजंस ऑफ रिलेटेड एसेट्स आर ट्रांसफर टू रिलेशन अकाउंट, तो अगर एसेट से रिलेटेड कोई प्रोविजन है तो उसको हम रिलेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में डालते हैं। जैसे मैंने बताया था प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स है, प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन, अगर ऐसा कुछ प्रोविजन है तो उसको हम रिलेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखते हैं बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। नेक्स्ट एंट्री है रिलेशन, व्हेन रिलेशन प्रॉफिट इज ट्रांसफर टू द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अगर रिलेशन में जो रिलेशन अकाउंट बना, जैसे आप रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते थे तो उसमें प्रॉफिट या लॉस निकलता था, वैसे ही रिलेशन अकाउंट बनाते हैं तो उसमें प्रॉफिट या लॉस क्या होता है, इनकार्ड होता है। तो उस केस में हम क्या करते हैं, उसके लिए जो जनरल एंट्री पास करते हैं रिलेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो अगर प्रॉफिट है तो रिलेशन अकाउंट के डेबिट साइड में, जैसे आप रिवैल्यूएशन अकाउंट में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करते थे वैसे जो इसमें डिफरेंस जो होगा उसको डेबिट साइड में सारे पार्टनर्स में उनके रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। इफ देयर इज अ लॉस ऑफ रिलेशन ऑन रिलेशन अकाउंट फॉलोइंग एंट्रीज शुड बी रिकॉर्डेड, अगर वही लॉस होता है तो क्या एंट्री करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिलेशन अकाउंट, और लॉस को रिलेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में सारे पार्टनर में रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। इसको आप लोग सारे लोग कॉपी में अपने नोट कर लेंगे, अब इससे रिलेटेड कैसे हम रिलेशन अकाउंट प्रिपेयर करेंगे इसके नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू।